नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, HSSC कलर्क भर्ती से संबंधित अभी अभी एक नई खबर आई है, और जो कल पहले दिन TV हुआ है उसके अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर में एक ऐसी खबर आई है जिसमें कितने बच्चे हैं जो एबसेंट रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ज़्यादा बच्चे रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कितने बच्चे हैं, और पहले दिन बहुत सारे फर्जी भी पकड़े गए हैं। अब क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर डेली चलता रहेगा तो एक लिस्ट और लगने की संभावना है, और कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी और नए बच्चों को मौका मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, यदि आप ये सारी डिटेल कंप्लीट डिटेल से जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जितने भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या नई खबर है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा कलर्क भर्ती मामले में नया मोड़, 1500 में से सिर्फ 500 उम्मीदवार ही पहुंचे। यानी कि आप समझ सकते हो, 1500 कैंडिडेट को बुलाया, उसमें से 500 ही पहुंचे हैं, यानी कि 1000 कैंडिडेट है जो कि एबसेंट रहे हैं। और क्यों एबसेंट रहे हैं आप जान सकते हो, समझ सकते हो, इसमें कोई ना कोई या तो फर्जीवाड़ा हो सकता है, या फिर इसमें से ऐसे बहुत कम होंगे जिनके नंबर पूरे ना हो, या फिर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लियो। 1000 की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और दस्तावेज जाँच के दौरान 3 उम्मीदवार जो है पकड़े गए, किसी दूसरे से दिलाई थी कलर्क की लिखित परीक्षा। यानी कि 3 ऐसे पकड़े गए हैं जिन्होंने किसी दूसरे से पेपर दिलवाया, यानी कि 500 में से 3 पकड़े गए। तो अब आप सोच के सकते हैं कि कितने ज़्यादा पकड़े गए होंगे। और जो 3 उत्तर सही माने थे उससे 1,300 बच्चों के नंबर तो बढ़े हैं और 48,000 बच्चों के नंबर घटे हैं। ये आंकड़ा भी इसमें जो है कलेक्ट किया गया। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि 1000 उम्मीदवार ना आने के पीछे लिखित परीक्षा में सीटर बैठाना तो नहीं है। इन्होंने ऐसा बताया जा रहा है कि जो चांसेस वो यही लग रहे हैं कि 1000 जो आए नहीं हैं उनमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सीटर बिठाए थे और अब पकड़े ना जाए, इसलिए वो यहाँ पे एबसेंट हो गए, यानी कि दूरी हट गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये भर्ती कैसी हुई है और क्या हुई है, कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।